Respected our teachers and our dear student, good morning all of you. Dear student, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसका मोरल आप निकालें। स्टोरी यू है कि एक बार बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराने के लिए लैब में ले जाते हैं, और लैब पे जब ले जाते हैं तो तमाम बच्चों को एक एक ककून देते हैं। ककून वो चीज है कि जिससे कैटरपिलर बाहर निकलता है और फिर कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बनता है। यानी बटरफ्लाई कैसे ककून से बाहर आती है, मतलब ये। तो एक एक ककून देते हैं और कहते हैं कि सभी लोग इस ककून को ऑब्जर्व करें। केवल ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैटरपिलर जो है ककून को तोड़ करके, यानी अपने शेल को तोड़ करके बाहर निकल रहा है, और उसकी रीडिंग लिखते जाना है, उसकी एक्टिविटीज लिखते जाना है। सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जो थोड़ा ज्यादा ही देर दिखा दिया। वो जो देखता है कि जो कैटरपिलर है बड़ी मशक्कत से, बड़े ही स्ट्रगल से ककून को तोड़ करके बाहर निकल रहा है, कभी उसके पैर फंस जाते हैं, कभी वो ब्लडी हो जाता है, कभी वो फंस जाता है उसी में, तड़फाने लगता है। तो वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, सोचता है कि लाओ मैं इस कैटरपिलर की थोड़ी हेल्प कर देता हूं, ये फंस जा रहा है। उसने ककून को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया कि वो कैटरपिलर थोड़ा बाहर आसानी से आ जाए। उसने थोड़े थोड़े शेल को तोड़ दिए, तोड़ देने के बाद कैटरपिलर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ऑब्जर्विंग शुरू हो रही है, टीचर्स एक एक लोगों को देखते हैं। अब वो कैटरपिलर जो खून से निकले थे वो फड़काने लगे, फिर कुछ दिन के बाद वो तितली के शेप में आए और उड़ने लगे। लेकिन एक जो कैटरपिलर था वो बटरफ्लाई के पूरे शेप में नहीं आ पाया, और पंख तो थे उसके, लेकिन उसमें वो पावर नहीं था और वो उड़ नहीं पा रहा था। टीचर्स ने पूछा स्टूडेंट से, क्या तुमने कुछ किया है, क्या गड़बड़ है, आखिर ये बटरफ्लाई क्यों नहीं उड़ पा रही। ये बहुत सोचने समझने के बाद ये टीचर ने पता किया कि लग रहा है कि इसने अपने मन से ककून से बाहर नहीं आया है, कोई ना कोई गड़बड़ी इसके साथ स्ट्रेंथ कर दिया। और अंजाम ये होता है कि वो बटरफ्लाई पूरी लाइफ नहीं उड़ पाती। अब आप यहां से ये बताइए कि आखिर वो बटरफ्लाई क्यों नहीं उड़ पाई, इसका मॉडल क्या निकलता है। करेक्ट, जो स्ट्रगल करेगा ककून से बाहर निकलने में, कैटरपिलर को जितना स्ट्रगल करना चाहिए और जितना वो स्ट्रगल करता, उसी के अकॉर्डिंग टू उसके विंग्स में वो पावर आ जाता। लेकिन उसने उतना स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि वो स्टूडेंट ककून को तोड़ दिए और वो स्ट्रगल आसानी से बाहर आ गया, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। और वो कैटरपिलर सब उड़ने लगे जो अपने मन से स्ट्रगल करके बाहर। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई या जो एग्जाम होता है, इसमें आप अपने मन से लिखें, अपने मन से पढ़ें, अपनी क्षमता को डेवलप करें। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त या कोई मेरी चिट्ठी कर देगा, मुझे कोई बता देगा, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे जिस तरह से कैटरपिलर के विंग्स तो आ गए थे, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। तो अगर आप भी चीटिंग से, बेईमानी से अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो अच्छे मार्क्स तो केवल मार्कशीट पे तो रहेंगे, लेकिन जीवन में कभी आप उड़ान नहीं खा पाए, कभी कुछ शिखर पे नहीं जाएंगे,
जहां की आपको जाना चाहिए। इसलिए हमेशा स्ट्रगल की तरफ देखो, हमेशा मेहनत करिए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और परिश्रम करना सीखिए। इस बार जितने भी टीचर्स हैं आपके स्कूल में, सबसे मैं कोच लूंगा चलेगा और सब डिटरमाइन करेंगे कि आपके 95 मार्क्स 100 में 100 में 95 से अधिक मार्क्स आने चाहिए। केवल दो चीजें करना है आपको, केवल दो चीज रिक्वायर है। अगर ये दो चीज अगर आप कर देंगे तो आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जानते हो दो चीज क्या है? पहली चीज रेगुलरिटी, आप रोज स्कूल आए, और दूसरा जो है जो भी टीचर्स आपको टास्क दे रहा है एवरीडे, उस टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करें। अगर केवल दो काम कर देंगे आप तो श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट द 95 प्लस मार्क्स। लेकिन कुछ दिन आप आएंगे फिर एब्सेंट, फिर आएंगे फिर एब्सेंट हो जाएंगे, और एक दिन का काम आप दो या तीन दिन में कर, इससे आप वीक होते हैं और फिर टीचर देखता है कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है तो वो अपनी स्पीड से पढ़ाता हुआ चला जाता है और फिर आप गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो भी काम किया गया तुरंत दूसरे दिन हाजिर, तो वो बच्चा एक्सलेंट हो जाए। मैं 100 मार्क्स भी कैसे तो पा सकते हो, लेकिन मुझे आपने अभी प्रैक्टिस देखना है। अगर आप रियली रेगुलर डिटर्मिनेशन और सब कुछ लगा देंगे तो आप 100 में 100 भी पा सकते हैं। 100 में 100, लेकिन वो प्रैक्टिस पर अगर देख लूं तो फिर मैं बता दूंगा आपको कि हाँ हमारा बच्चा 100 में 100 पा गया। कितने लोग हैं जो पढ़ाई के प्रति सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। Thank you. That's all.